हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य के पीसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में उत्तराखंड की, जो कि किन्हीं कारणों से फेमस थे विगत कुछ वर्षों में, और आयोग यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऐसा संभावना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली पर्सनैलिटी जो है वो है प्रकाश पंत जी, जो वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें वित्त मंत्री जो थे, और जिनका निधन 2019 में 5 जून 2019 को हो गया। किसके कारण? कैंसर रोग से ये पीड़ित थे। तो इनका जो है इलाज ह्यूस्टन यानी अमेरिका में चल रहा था, तो वहीं पे इनका देहांत हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है इनके बारे में, ये कि जैसा कि एक तो क्वेश्चन यही था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश पंत जी का निधन हुआ तो किस मंत्रालय से संबंध रखते थे, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या वित्त मंत्रालय है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो विधानसभा क्षेत्र था वो कौन सा था, तो पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, पिथौरागढ़ ही इनका विधानसभा क्षेत्र था। और इनके बारे में कि इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष थे 2000 और 2000 के बीच में, 2000 से 2002 के बीच में, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके संबंध में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, स्वीडन के किंग और क्वीन ने उत्तराखंड को विजिट किया था दिसंबर 2019 में। तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के राजा रानी ने जो है उत्तराखंड को विजिट किया या उत्तराखंड को दर्शन किया। तो किंग काल जो है 16th गस्ताफ और उनकी रानी सिल्विया ने उत्तराखंड दर्शन किया, और इन्होंने यह है हरिद्वार भी इन्होंने विजिट किया, और हरिद्वार में इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इन्होंने उद्घाटन किया। और वहाँ पे ये एक यंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं रिद्धिमा पांडे, ये उनसे मिली, ये लोग उनसे भी इन्होंने मीटिंग करी। और रिद्धिमा पांडे, अगर आपको पता ना हो तो ये ग्रेटा थनबर्ग की ही तरह एक चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं जो एनवायरमेंट के लिए काम करती हैं। और इनके और ये बेसिकली रिद्धिमा पांडे जो हैं ये ग्रेटा थनबर्ग से इंस्पायर्ड है। और स्वीडन के बारे में और जान लेते हैं। स्वीडन की स्टॉकहोम कैपिटल है, सभी को पता है, और स्टॉकहोम जाना जाता है अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो। पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, ये स्टॉकहोम में हुआ था, और 5 जून 1972 का हुआ था ये। तो 5 जून को हम हर साल जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो वो यहीं से आया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यूकेपीएससी में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी। ओके, हाँ, योगी एरन जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है, योगी एरन है, और ये डॉक्टर कम हेल्थ एक्टिविस्ट है। डॉक्टर तो है ही, साथ में ये एक्टिविस्ट हैं, यानी कि इस मेडिकल के फील्ड में बहुत समाज सेवी काम करते रहते हैं। तो इनको 2020 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री भी इनको अवार्ड किया है। और ये बेसिकली जो फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जले हुए रोगियों की और कहीं पे कटे या कटे हुए जो रोगी हैं उनकी जो है फ्रीली चेकअप करते आए हैं और फ्रीली उनका ट्रीटमेंट करते हैं 35 सालों से उत्तराखंड में। और ये बेसिकली देहरादून के रहने वाले हैं, देहरादून में रहते हैं, और इनको हिमालयन डॉक्टर भी कहा गया। और इनका जो संस्था है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बैनर के नीचे ये काम करते हैं, या मतलब एक एनजीओ समझ लीजिए, हेल्पिंग हैंड्स करके इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये एड्स सेवा का काम करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रीतम भरतवान। हाँ, ये उत्तराखंड के जाने माने फोक जागर सिंगर हैं, फोक यानी फोक लोक जागर सिंगर जिनको कहते हैं, लोक गायक हैं, और इनको भी 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। और ये इतने फेमस हैं कि आप समझ सकते हैं कि यूएस की एक यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनोइस शिकागो में स्थित है, वहाँ पे गेस्ट लेक्चर के तौर पे वहाँ पे वो विधा यानी कि जो जागर विधा है उसको जो है वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये देहरादून में रहते हैं, रायपुर में, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। ये इनको पद्मश्री तो मिला ही है, राइट, और ये जाने माने फोक सिंगर हैं, जागर सिंगर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट हैं वो हैं बसंती विश जी, फोक सिंगर हैं, लोक गायिका हैं, और इनको 2017 में पद्मश्री मिला है। और ये पहली वुमेन है जो उत्तराखंड में जो है जागर सिंगर के तौर पे जानी जाती हैं। और इनका जो जन्म हुआ था ये लुआनी विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये कहाँ से संबंध रखती थी, उत्तराखंड में आ सकता है पीसीएस में, सॉरी जो पीएससी के एग्जाम्स में कोई भी है, चाहे पीसीएस हो या प्रवक्ता हो, तो पूछा जा सकता है कि भाई जो बसंती विश जी हैं किस जिले से संबंधित हैं, तो चमोली जिले से। और इनको दो और अवार्ड मिले हैं, इनको राष्ट्रीय मातोश्री देवी अहिल्या सम्मान
सम्मान 2016 मिल चुका है, और तीलू रोतोली नारी शक्ति अवार्ड भी इनको मिला है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। और ये पहली वुमेन है, ये मैंने बता दिया, जागा सिंगर में उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे कबूतरी देवी जी हैं, उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है इनको, टाइटल दिया गया है तीजन बाई। छत्तीसगढ़ की जो है प्रसिद्ध जो है वहाँ पे लोक गायिका है, और उत्तराखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी, ठीक है। और ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इनका जो है देहांत हो चुका है, और 73 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ इनका। और ये भी जो है महिला जो है फोक सिंगर है उत्तराखंड की, और ये आकाशवाणी रेडियो के लिए 100 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुकी हैं, और उन्होंने 100 से ज्यादा सॉन्ग्स भी गाए, 100 से ज्यादा सॉन्ग्स आकाशवाणी रेडियो में गाए हुए हैं, मतलब रीजनल रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम में। और ये पिथौरागढ़ से संबंध रखती हैं, पिथौरागढ़ के मोनाकाट ब्लॉक से संबंध रखती हैं, तो ये पता होना चाहिए। और इनको इनकी इसके कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि लोक सिंगिंग में, लोक गायन में इनके योगदान के लिए इनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका है, राइट। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।